यहाँ से अब अगेन देख लें कि ये स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। अगर आपने स्किल मेंशन नहीं की तो आपकी बिडिंग ज़ाया है, कनेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। कनेक्ट्स पैसों के आते हैं, अभी 20 कनेक्ट खत्म होने के बाद फर्दर कनेक्ट्स परचेज करने के लिए आपको $15 पे करने होंगे। मेंबरशिप के थ्रू भी कर सकते हो, वैसे भी बाय कर सकते हैं। मेंबरशिप के जरिए बाय करना सही रहता है क्योंकि उससे एक तो आपको पेड प्रोफाइल मिल जाती है और 70 कनेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ से आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है बाय प्रोजेक्ट का। जब भी फिक्स बजट पे काम कर रहे होगे तो बाय प्रोजेक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है कि जब काम खत्म हो जाएगा तभी फुल पेमेंट हो जाए। माइलस्टोन क्रिएट करना एक बिगनर के लिए अच्छा आइडिया नहीं है, तो हम यहाँ पे बाय प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अपनी बिड अमाउंट बताओगे। अपवर्क का क्लाइंट गरीब क्लाइंट थोड़ी है, वो यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि उसे कम पैसे देने पड़े, वो यहाँ पे क्वालिटी के लिए आया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वही बिड कर दें जो उसने बजट बताया, अगर 150 का है तो 150 की बिड कर दें, कम करने की जरूरत नहीं। 20% अपवर्क की फीस है, वो डिटेक्ट होने के बाद आपको $120 मिलेंगे। यहाँ से जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है वो है लेस देन 1 month। अब आते हैं कवर लेटर पे। कवर लेटर के लिए पहले तो देख लेते हैं क्लाइंट का नाम, अगर हमें मिलता है तो बड़ा अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। अभी जो टेक्निक बता रहे हैं इसी तरह से आप बाय रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक विनिंग प्रपोजल और विनिंग बाय रिक्वेस्ट के क्या फीचर्स होते हैं। क्लाइंट का नाम देखने के लिए आप उसी प्रोजेक्ट को एक और टैब में ओपन कर लें। ये जो है ना क्लाइंट की हिस्ट्री, यहाँ पे अक्सर जब किसी फ्रीलांसर ने फीडबैक दिया होता है ना उसमें नाम मेंशन होता है। अब इसके दोनों ही प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है, नाम मेंशन नहीं है तो हम नाम नहीं लिखेंगे। अब देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बिड लिख रही हूँ, मैंने प्रपोजल सबमिट नहीं करना क्योंकि 10 to 15 प्रपोजल हो गए हैं, तो 10 to 15 में चांस कम होता है। आप लोग अगर 10 to 15 या मोर देन 5 प्रपोजल होंगे तो अपने कनेक्ट्स को जाया नहीं करोगे। अच्छा मैं जरा आपको दिखाना चाह रही हूं कि आप कहाँ से देख सकते हैं किसी भी क्लाइंट का नाम। अब ये देखो ये एक बहुत ही ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आप में से अगर कोई फैशन डिजाइनर है या वेक्टर ट्रेसिंग जानता है या टेक पैक्स बनाना जानता है, टेक पैक भी एक बहुत अच्छा स्किल है, इन डिमांड है, और इसमें आप किसी भी फैशन कंपनी के लिए, किसी भी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए स्केचेस बनाते हैं। प्रोजेक्ट देखें और उसकी प्राइस चेक करें, $1700, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये, क्लाइंट भी वेरीफाइड है। अच्छा ये सेक्शन है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका नाम क्या है। एकिन नाम मेंशन है, अगर तो नाम मिल जाए तो आप नाम के साथ अपनी बिड का स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको लिखेंगे सिंपल हेलो। बाय रिक्वेस्ट हो या प्रपोजल हो, डियर सर मैडम रिस्पेक्टेड, ये लफ्ज आपने इस्तेमाल नहीं करने, इंतहाई नॉन प्रोफेशनल वर्ड्स है। इंटरनेशनल क्लाइंट इस तरह के अल्फाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सबसे अच्छी स्टार्टिंग ये है हेलो के बाद उसका नेम लिख दे, अगर जानते नहीं जानते तो हेलो काफी है। अपवर्क पे बिडिंग करनी हो या बाय रिक्वेस्ट लिखनी हो, सबसे पहली लाइन में हम उसी प्रोजेक्ट को रीस्टेट करते हैं। जैसे जब बचपन में एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए अगर सवाल आ गया कि आपके मुल्क का नाम क्या है, तो आपने सिर्फ पाकिस्तान नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है कि मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्या है, फ्लायर एंड ब्रोशर डिजाइन फॉर फार्मेसी, तो मैं लिखूंगी आई कैन परफेक्टली डिजाइन दिस फ्लायर ब्रोशर फॉर योर फार्मेसी। दो फायदे, एक फायदा तो ये है कि आप क्लाइंट को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन या बाय रिक्वेस्ट पढ़ के अपनी सबमिशन करवा रहा हूँ, रैंडम नहीं है।
एक तो ये यकीन दिलाना, दूसरा इससे क्या होता है, आप लोग जो फेवर बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, आपको मालूम होगा कि कोई भी बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हुए उस पे ऑलमोस्ट 30+ 50+ बाय रिक्वेस्ट पहले से मौजूद होती हैं। यही हाल प्रोजेक्ट के केस में है। बहुत सारे प्रपोजल होंगे, इन प्रपोजल्स में से अगर आप रैंक करना चाहते हैं, क्लाइंट को विजिबल होना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम फेवर करता है कीवर्ड्स को। कीवर्ड का आपको पता है कि हमने कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने गिग्स बनाए, फाइवर की प्रोफाइल बनाई, अपवर्क की प्रोफाइल बनाई। अब कीवर्ड को हम किस तरह से अपने प्रपोजल या बाय रिक्वेस्ट में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, ये जो इसकी टाइटल है ना, आपके बाय रिक्वेस्ट का टाइटल या आपके प्रोजेक्ट का टाइटल, टाइटल की बात हो रही है, ये मेन चीज, ये कीवर्ड है। अगर इसी कीवर्ड को अपने प्रपोजल में इस्तेमाल कर लोगे तो बाकी तमाम प्रपोजल से ऊपर आपका प्रपोजल क्लाइंट की साइट पे रैंक करेगा। बाय रिक्वेस्ट में यही टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो आपकी बाय रिक्वेस्ट क्लाइंट को शो होगी। बहुत सारे फाइवर के फ्रीलांसर्स ये कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत अच्छी बाय रिक्वेस्ट लिखते हैं लेकिन फिर भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसकी वजह ये नहीं कि आपकी बाय रिक्वेस्ट लिखने में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह ये है कि आपकी बाय रिक्वेस्ट क्लाइंट को नजर ही नहीं आती। इतनी सारी तो बाय रिक्वेस्ट होती हैं, अब नजर आने के लिए उसकी एसईओ करना भी जरूरी है। तो एसईओ होगी बाय रिक्वेस्ट के टाइटल को रीस्टेट करने से या प्रोजेक्ट के टाइटल को रीस्टेट करने से। पहली लाइन हो गई आपकी रीस्टेटमेंट की। देन आप उसको बताएंगे अपनी अवेलेबिलिटी। ये क्लाइंट के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। देखो, कोई भी क्लाइंट अगर फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे आते हैं तो उसकी साइकी क्या होती है? ठीक है, उसको क्वालिटी काम चाहिए, लेकिन उसकी जो साइकी है उसमें मेन एलिमेंट अर्जेंसी का होता है। और ये सिर्फ इस क्लाइंट की साइकी नहीं, पूरी दुनिया में जो लोग ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ उस सूरत में प्रेफर करते हैं जब वो उनके लिए कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। अगर इमरजेंसी ना हो तो आप लोग शॉपिंग के लिए मार्केट्स जाएं, मॉल्स में जाएं, रिसर्च करने के बाद अपनी मतलूबा प्रोडक्ट परचेज करें। लेकिन अगर बहुत जल्दी आप नहीं जा सकते, टाइम की कमी है, वक्त शॉर्ट है, तो फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। आपको कहीं बाहर जाना है और अगर आपके पास टाइम हो तो सबसे पहले अपने ड्राइवर को चेक करेंगे, ड्राइवर अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को पूछेंगे कोई ड्रॉप दे सकता है कि नहीं। क्रीम का इस्तेमाल आप उस सूरत में करते हैं जब आपने बहुत जल्दी किसी जगह पे पहुंचना है, तो आप फिर किसी से पूछते नहीं है कि कोई ड्रॉप कर देगा, ड्राइवर है नहीं है, इंतजार कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। यही इस क्लाइंट का हाल है। अगर इनके पास टाइम हो ना तो ये अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी को हायर करके ऑफिस में बिठा के काम करवाएं। अगर ये ऑनलाइन अपना काम आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसका एक मेन एलिमेंट ये है कि इनके पास वक्त की कमी है। हमने इसी कमी का फायदा उठाना है। दूसरी लाइन में आप लिखेंगे, आई एम अवेलेबल टू स्टार्ट राइट अवे। राइट अवे की जगह आप स्ट्रेट अवे भी लिख सकते हैं। वुड यू लाइक टू सी, तीसरी जो आपकी लाइन होगी ना, चाहे वो बाय रिक्वेस्ट है या आपका प्रपोजल है, वो ऑफर होगी, वो कोई भी क्वेश्चन होगा। और अगर ये क्वेश्चन क्लाइंट के प्रोजेक्ट से रेलिवेंट है तो आपके चांसेस ज्यादा है हायर होने के। आप लिखेंगे, वुड यू लाइक टू सी एन इनिशियल ड्राफ्ट। ये जितनी आप उसको अट्रैक्टिव ऑफर कर सकते हो उतनी अट्रैक्टिव ऑफर।